हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस टू डॉक्टर मुखर्जी न दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे अब मैं आपको वो कैब ऐसे याद करवाऊंगा ना कि बस एक बार पढ़ोगे ना आजीवन याद रहेगा यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको क्या पता है मैं दे रहा हूँ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस ये इडियम्स एंड फ्रेज क्या करेगा आपको यह आपको महान बनाएगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो एस एस ए सी पी ओ सारे एग्जाम यहाँ से नंबर आते हैं बस एक बार मेरे साथ लग करके पढ़ने का प्रयास करो और देखो कितना बढ़िया हो जाता है सबसे पहला वर्ड है टू एंड इन ए स्मोक अब इसको होता क्या है कि रट्टा मारते हैं टू एंड इन स्मोक टू एंड इन स्मोक एंड स्मोक अब रट्टा मार के भूल जाते हैं अब होता क्या परेशानी है कि इतना रट्टा रट्टा मार मार के परेशान हो जाते हैं तो रट्टा नहीं मारना है अब आपको वर्ड से लिंक करना है टू एंड एंड का मतलब क्या और बताना जरा अंत स्मोक का मतलब सिगरेट अब जो सिगरेट पीता है उसका अंतिम दिन क्या होगा सिगरेट जो पीता है उस व्यक्ति का अंतिम जो सिगरेट पीने के बाद क्या होता है तरह तरह की बीमारियां होती हैं कैंसर होता है फेफड़े की समस्या होती है तो एंड इन स्मोक यानी जो सिगरेट पी रहा है उसका अंतिम क्या है असफल होना या बर्बाद हो जाना यानी वह बर्बाद हो जाएगा इसको आप बर्बाद ध्यान रखिए यानी एंड इन स्मोक यानी पीने का अंतिम परिणाम है कि वह बर्बाद हो जाएगा यानी टू बी डिस्ट्रॉयड और रिउंड वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा रियून हो जाएगा तो क्या कहा हमने बर्बाद होना, होना यानी सिगरेट पीने का अंतिम लक्ष्य है लास्ट में बर्बादी होना है बहुत लोगों को मैं देखता हूं सिगरेट पीना उनका फैशन है पिए जा रहे हैं फैशन में है यानी सिगरेट पीना आन मान शान समझ रहे हैं कि बड़ा मैं बड़ा काम कर रहा हूं तो सिगरेट पीने का अंतिम लास्ट लक्ष्य क्या है असफल होना या बर्बाद होना ये जीवन से संबंधित है तो टू एंड इन ए स्मोक असफल होना या बर्बाद होना इसको आप तरीके से याद कर लो अगला वर्ड देखो अ डार्क हॉर्स अ डार्क हॉर्स बस इस वर्ड को दे रहा हूं याद करने के लिए अ डार्क हॉर्स डार्क का मतलब अंधेरा हॉर्स मतलब घोड़ा यानी घोड़ा छुप गया यानी छुपा रुस्तम है अ डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम यानी क्या है वो छुपा रुस्तम है यानी छुपा हुआ रुस्तम है यानी सुबह सुबह क्या भाई अ पर्सन हु हाइड्स हिज फीलिंग्स यानी कि वह व्यक्ति जो अपने फीलिंग को अंदर छुपाया हुआ है एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो हमने क्या कहा डार्क हॉर्स यानी अपनी फीलिंग को छुपाया हुआ है आ डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम अ पर्सन हु हाइड्स हिज फीलिंग मेरी बात समझ रहे हो आप यानी अपनी बात कभी कभी कोई इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है ना अपना फीलिंग छुपाया हुआ है हंसना चाहिए हंस रोना चाहिए रोनी रहा यानी अपने फीलिंग को छुपाया हुआ है, है उसे कहते हैं डार्क हॉर्स यानी वो डार्क हॉर्स है बच के रहो यानी कैसा है वो छुपा रुस्तम है अगला वर्ड है अ वाइट एलिफेंट जिसका कोई लाभ ना हो अ व्हाइट एलिफेंट है कभी कभी नहीं होता है कोई मित्र फालतू का पड़ा हुआ है खर्च हो रहा है उसमें वो किसी काम का नहीं है तो जिसका कोई लाभ ना हो उसे हम बोलते हैं अ व्हाइट एलिफेंट अब याद कैसे करेंगे इसको अब बोलो हाथी कभी उजला होता है हाथी कैसा होता है ब्लैक होता है ना तो हाथी काला होता है लेकिन उजले हाथी का कोई वैल्यू नहीं आज इंडिया में जितने भी हाथी तुम्हें देखा होगा सब कैसा देखा होगा ब्लैक तो हाथी काले होते हैं लेकिन उजला कहीं मिल गया उसका कोई लाभ ही नहीं सब समझेगा बीमारी हो गया उसको कुछ परेशानी हो गया उसको तो व्हाइट एलिफेंट किसी काम का नहीं वाइट एलिफेंट किसी काम का नहीं क्या लिखा है अ थिंग दैट इज यूजलेस एंड नो लॉन्गर नीडेडो इट मे है जिसका पैसे की बर्बादी है किसी काम का नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं क्या वाइट एलिफेंट ठीक है याद हो रहा है सब आगे देखो आर्डम्स वाइन आर्डम्स वाइन मतलब साधारण पानी आर्डम्स वाइन साधारण पानी कॉमन वाटर यानी हम लोग आडम्स वाइन पीते हैं कॉमन पानी पीते हैं यानी आडम्स वाइन इसमें पता है कहाँ एग्ज़ाम में बहुत पूछता है बाबू इसको ध्यान रखना एग्ज़ाम के लिए पा रहा हूँ हर चीज़ लॉलीपॉप नहीं खाली स्पोकन नहीं आप कुछ एक्स्ट्रा चिपाओ इसको स्पोकन में यूज़ करो इसको राइटिंग में यूज करो इसको डेली यूज करो और एग्ज़ाम का तो फेवरेट है ही एग्जाम में बहुत पूछता है एस एस सी सी तो यूपीएससी सारे एग्जाम साधारण पानी यानी पानी कैसा भाई तो साधारण पानी है यानी कॉमन वाटर को हम आडम्स वाइन कहते हैं तो आडम्स वाइन मतलब कॉमन पानी तो आडम्स मतलब आदमी आदमी का शराब क्या है पानी लोग पानी पी के मस्ती में रहते हैं है ना तो आर्डम्स वाइन आदमी को लिंक कर लो आदमी वाइन मतलब शराब यानी आदमी का शराब क्या है कॉमन मैन का आदमी शराब क्या है पानी बस पानी पी के ही मस्त में है तो आर्डम्स वाइन आदमी का शराब साधारण पानी तो आर्डम्स मतलब कॉमन वाटर नेक्स्ट है एन आफ्टरनून फार्मर एक बात बताओ आफ्टरनून फार्मर यानी फार्मर किसका आफ्टरनून का दोपहर का यानी आफ्टरनून फार्मर सुस्त आलसी व्यक्ति को कहते हैं भाई किसान जो लोग होते हैं ना उनके लिए दोपहर क्या है उनके लिए सुबह क्या है शाम क्या है तो एन आफ्टरनून फार्मर या किसान दोपहरिया का है इसका मतलब तो आलसी व्यक्ति है पड़ा हुआ है है ना लेथार्जिक लेजी स्लो पर्सन यानी वह पर्सन लेथार्जिक है पड़ा हुआ है स्लो है लेजी है उसे हम कहते हैं एन आफ्टरनून फार्मर यानी आफ्टरनून फार्मर है सुस्त व्यक्ति है आफ्टरनून फार्मर यानी आफ्टरनून दोपहर का यानी वो सुस्त है एन आफ्टरनून फार्मर मतलब सुस्त व्यक्ति आलसी व्यक्ति को आफ्टरनून क्यों भाई तो आफ्टरनून यानी किसान के लिए दोपहर दोपहरिया किसी काम का तो जो आदमी किसान है उसके दोपहर भी सुबह जैसा है बेचारा खेत में लगा हुआ रहता है तो क्या कहेंगे एन आफ्टरनून फार्मर यानी जो किसान होते हैं उसके लिए आफ्टरनून किसी काम का नहीं यानी वो आलसी व्यक्तियों का काम है कि दोपहर हो गया यार शाम हो गया यार सुबह हो गया यार कल से करूँगा तो ये सब कैसे काम है सुस्त व्यक्ति का नेक्स्ट है मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल अब माउंटेन मतलब पहाड़ मोल हिल छोटा सा जो मोल होता है ना छोटे से मोल यानी आप राई मान लो तो मेक अ माउंटेन राई अब एक राई से पहाड़ कैसे बन जाएगा लेकिन नहीं होता गांव घर में लोग कि छोटी सी बात को लिया अब पहाड़ बना दिया मतलब बात बहुत कॉमन सा था छोटा मोटा बात था अब उसको लेके लगा लड़ने अब लगा लड़ने लेकर के तो बात बहुत छोटा सा था अब पहाड़ बना दिया यार यानी मेक अ माउंटेन ऑफ मोल राय का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात का तूल दे देना छोटी सी बात थी क्या कहा टू अटैच एंड ड्यू अन इम्पॉर्टेंस टू अ स्मॉल मैटर यानी बात बहुत छोटी सी थी उसको हमने तुल दे दिया छोटी सी बात को पहाड़ बना दिया तो मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल रायका पहाड़ बना दिया यानी कि मेक अ माउंटेन माउंटेन मतलब पहाड़ बना दिया किसका भाई मोल हिल का यानी छोटा सा सरसों के दाना को पहाड़ बना दिया कहने का सेंस ये है कि छोटी बात बात को तुल दे दिया बात बहुत छोटा सा था उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया उसको तुल दे दिया याद हो रहा है बच्चे इसको याद करो एग्जाम में यहां से आएगा बढ़िया आपको पढ़ने की आवश्यकता है फिर देखते हैं अगला सब अब एक एक करके पता है सब याद करें हम लोग यहाँ पे सातवां वर्ड क्या है पेटीकोट गवर्नमेंट पेटीकोट गवर्नमेंट क्या भाई तो पेटीकोट कौन पहनती है महिला पहनती है ना तो पेटीकोट महिला पहनती है ना तो पेटीकोट गवर्नमेंट तो महिला पहनती है तो शासन महिलाओं का ही ना होगा पेटीकोट गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब सरकार सरकार किसका है जो पेटीकोट पहनता है तो पेटीकोट गवर्नमेंट स्त्रियों का शासन तो स्त्रियों का शासन फीमेल रूल बस याद करवा दे रहा हूं ऐसे ही पढ़ के दो पता क्या है पढ़ाई को टेंशन मत लो पढ़ाई को एंजॉय करो जो आप एंजॉय करोगे ना तो मजा आ जाएगा जाएगा हमेशा याद हो हमने क्या कहा पेटी कोट स्त्रियों का शासन फीमेल रूल पेटी कोट, कोट गवर्नमेंट पेटी कोट कौन पहनता है महिलाएं पहनती है तो महिलाओं का शासन है पेटी कोट गवर्नमेंट है राइट याद हो रहा है सब अगला देखो मूव हेवन एंड अर्थ मूव यानी मूव कर गए हेवेन एंड अर्थ तो मूव हेवेन एंड अर्थ यानी मूव मतलब घूमा हेवेन स्वर्ग अर्थ जमीन स्वर्ग से जमीन तो घूमते रहे यानी भाई हमने तो हर संभव प्रयास कर लिया तो मूव हेवेन एंड अर्थ यानी हमने हीबेन से अर्थ तक प्रयास कर लिया अब मेरे बस की नहीं तो मूव हीबेन एंड अर्थ हर संभव प्रयत्न करना टू डू एवरीथिंग पॉसिबल जो संभव था सब किया टू मूव ही मूव मतलब मूव करना हीन अर्थ जमीन से आकाश एक कर दिया आकाश पताल एक कर दिया हर संभव प्रयास किया तो मूव एंड अर्थ हर संभव प्रयास करना हिमालयान ब्लंडर हिमालयन ब्लंडर बड़ी गंभीर भूल यानी ब्लंडर कहते हैं मिस्टेक को कैसा ब्लंडर है हिमालय के पहाड़ जैसा ब्लंडर यानी भाई बहुत गंभीर भूल है हिमालयान ब्लंडर है बहुत गंभीर भूल है यानी कि सीरियस मिस्टेक है मिस्टेक छोटा मोटा नहीं है सीरियस मिस्टेक है बहुत गंभीर भूल है सबसे बड़ी भूल है हिमालयान ब्लंडर है हिमालय जैसा ब्लंडर है हिमालयन मिस्टेक है यानी हिमालय जैसा मिस्टेक है बहुत बड़ी मिस्टेक है तो हिमालयन ब्लंडर कहलाता है बड़ी भूल गंभीर भूल सीरियस मिस्टेक गाला डे प्रसन्नता का दिन गाला डे यानी गाला गाला डे है यानी बोलते गाला गाला यानी गाला डे है प्रसन्नता का दिन है दे अ डे अ ग्रेट हैप्पीनेस नहीं बोलते है गाला डे गाल फुला लिया खुशी के दिन है बिल्कुल ही प्रसन्नता के दिन है गाला डे गाल फुला के दिन मना रहा है यानी खुशी के दिन है गाला डे प्रसन्नता के दिन है खुशी के दिन है उसे हम बोलते हैं डे अ ग्रेट हैप्पीनेस एक बार मेरे साथ बोलना जरा तुम लोग बोलो पेटीकोट गारमेंट का मतलब गवर्नमेंट स्त्रियों का शासन फीमेल रूलर है ना मूव एंड अर्थ जल्दी बोलो मूव हेबन एंड अर्थ हर संभव प्रयास करना यानी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल मैं अंग्रेजी भी दे रहा हूं हिंदी भी दे रहा हूं जो पूछे एग्जाम में बना देना है हिमालयन बलेंडर बड़ी गंभीर भूल सीरियस मिस्टेक गाला डे खुशी के दिन प्रसन्नता के दिन बच्चे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो सीरियसली अगर सीखना चाहते हो दिल्ली दूर है अब अब दिल्ली आ सकते हो ना तो दिल्ली आ करके के तरीके से पढ़ना चाहते हो आ जाओ मेरे सामने आई कांटेक्ट करके पढ़ो अंग्रेजी आसान बन जाएगा आपका ग्रामर पढ़ो स्पीकिंग पढ़ो हर चीज पढ़ो हर चीज क्लास यहां पर हो रहा है नहीं आ सकते मजबूर हैं प्रयास कर लिए दिल्ली आने का लेकिन नहीं आ सकते समस्याएं हैं हाउस वाइफ है, है। सर कहीं जॉब करते हैं सर नहीं आ सकते दिल्ली कोई बात नहीं जो मैं पढ़ाता हूं सेम लाइव डेढ़ घंटे का बैच आप लाइव अपने मोबाइल पर अपने लैपटॉप पर अपने टीवी पर घर बैठ करके सेम क्लास ले सकते हैं जो फोन नंबर दिया है ना उस पर कॉन्टेक्ट करो आपको सब सुविधा दूंगा मैं आप टेस्ट देना चाहते हो लाइव स्पोकन करना चाहते हो लाइव फाउंडेशन करना चाहते हो जो चाहते हो आप व्हाट्सअप करो कॉल करो किताब चाहिए जो चाहिए मैं हमेशा आपके घर तक पहुंचूंगा आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा तो आप कॉल करो मुझे कॉल कर करके ना हो व्हाट्सअप करो आप जो चाहो जो आपके हाथ में आप यूज करना चाहते हो आप यूज करो और कुछ नहीं है तो दिल्ली चलो का नारा दो और दिल्ली आ जाओ मिल के बैठ के पढ़ते हैं आराम से पढ़ते हैं आप सबों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरे भारत में क्रांति की तरह फैलाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच